लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से सामने आ रही है, जहां छपरा में दो दिनों तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हो रहा था और इसी को लेकर पत्थरबाजी भी हुई है और इसी पत्थरबाजी को लेकर काफी विवाद हुआ और उस इलाके में पूरे तरीके से दहशत जो है वो भी फैल गई, क्योंकि दो समुदाय के बीच में झड़प हुई है और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर इंटरनेट सेवाएं जो है वो दो दिनों के लिए बंद रखा गया है। ये बड़ा निर्णय इसीलिए लिया गया है कि खास करके सोशल मीडिया से कई सारे भ्रामक चीजें जो है वो फैलाई जाती है और इसी पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। आप तमाम तस्वीरें भी देख सकते हैं कि ये छपरा की तस्वीर है कि दो समुदाय के बीच में मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, जिसके कारण ही ये बड़ा फैसला लिया गया। तमाम तस्वीरें आप देखिए। ये मामला जो है वो आज सुबह भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नई बाजार मोहल्ले की है। विवाद के बाद एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इलाके में तैनात कर दी गई है। साथ ही छपरा सदर अनुमंडल में आगे दो दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान गाना बजाने को लेकर ही विवाद हुआ और शहरी क्षेत्र में आज सुबह भी मूर्ति विसर्जन जो है वो हो रहा था और नई बाजार में कुछ सामाजिक तत्वों ने भीड़ पर छत से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद जुलूस में शामिल दूसरे पक्ष के लोगों ने भी आसपास के घरों में पत्थरबाजी शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद घटना में कांच के शीशे जो है वो भी टूटे हुए सामने आए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पूरे इस मामले को शांत कराया गया और अब तक पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वही बता दें तो मूर्ति विसर्जन को लेकर आज सुबह विसर्जन जुलूस जो है वो भी निकाला गया, डीजे बजाकर ये जुलूस निकाला गया, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी और जिसको लेकर दूसरे पक्ष के तरफ से असामाजिक तत्वों के द्वारा जो पत्थरबाजी है वो शुरू की गई और फिर दो पक्षों में, दो समुदाय में ऐसे तनाव जो है वो देखने को मिले। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है कि आप देख रहे तमाम तस्वीरें ये छपरा की आ रही है, जहां पर पुलिस पूरे छावनी में तब्दील हो चुका है और कैसे सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर तमाम इंतजाम जो है वो भी किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए मामले को शांत कराने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन मामला और ज्यादा आगे नहीं बढ़े और सोशल मीडिया पर और भ्रामक चीजें ना फैलाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए और इस पर काबू पाने के लिए ही छपरा में दो दिनों तक के लिए इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी फिलहाल पुलिस ने इन तमाम चीजों पर काबू तो पा लिया है, लेकिन अभी और भी चीजें उलझती है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।